हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है शेडेड पोल मोटर। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग बनाने के लिए हम दो स्प्लिट फेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और मेथड जो है वो क्या है, हमारा स्प्लिट फेज मोटर के अलावा जो मेथड है वो है शेडेड पोल मोटर। तो शेडेड पोल मोटर में एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं वो अब हम जानते हैं। तो शेडेड पोल मोटर में हम लोग का जो पोल होता है उसमें हम वाइंडिंग, ये जो येलो कलर से आपको दिखाया गया है ये आपकी वाइंडिंग्स हैं, सिंपल वाइंडिंग्स हैं, सिंगल फेज वाइंडिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पोल है उसमें कोई ना कोई मैग्नेटिक पोल जनरेट होगा, मतलब नॉर्थ या साउथ को जनरेट होगा, ठीक है। तो एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जो कि क्या कहेंगे हम उसे, फाई एम। ओके, तो फाई एम हमारी मेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। लेकिन इसमें हम चेंज क्या करते हैं, तो हम चेंज ये करते हैं कि इसी पोल के एक पोर्शन में हम लोग पोल को कट कर देते हैं, इस तरीके से ये कट बना देते हैं पोल में, जो जिसमें हम एक रिंग बना देते हैं, एक रिंग या एक छोटी सी वाइंडिंग उसमें लगा देते हैं। इस तरीके की वाइंडिंग होती है जिसे हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, इसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। तो जब एक मेन फ्लक्स इसमें डेवलप होगा पोल में, तो वो इसको भी कट करेगा। तो इस स्लिप में या इस शेडेड पोल में, इस शेडिंग, इसे बोलते हैं शेडिंग रिंग, तो इस शेडेड रिंग में ईएमएफ जनरेट होगा। तो हमें क्या पता है, जब भी किसी फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है तो वो ईएमएफ उस फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पस क्या होता है सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए, कि हमारे जो दो फेज़ हैं उनके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहे। तो वो डेवलप करने के लिए हमने यहाँ पे शेडिंग रिंग का इस्तेमाल किया, और शेडिंग रिंग में डेवलप होने वाला या इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ होता है वो ऑलरेडी उस मेन फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। तो इसे हम फेजर से समझते हैं। तो मेन हमारी फ्लक्स में, जो जिसकी वजह से मेन फ्लक्स आया है, वो करंट हमारी होगी आई एम, यानी कि मेन करंट, ठीक है। आई एम कौन सा है, जो आपकी वाइंडिंग है या आपने सप्लाई दे रखी है वी, और जो मेन करंट बह रहा है उसमें वो होगा आई एम, ठीक है। उस आई एम की वजह से मेन फ्लक्स डेवलप होगा, उस फ्लक्स को क्या क्या कहेंगे हम, फाई एम, ठीक है। अब ये फ्लक्स जब शेडेड रिंग को कट करेगा तो उसमें डेवलप होने वाला ईएमएफ कहलाएगा ESC, ठीक है। SC मतलब शेडेड पोल के लिए या शेडेड रिंग के लिए, शेडेड कॉइल बोल सकते हैं इसे आप। तो ईएमएफ जनरेट हो गया क्योंकि वो कॉइल, जो हमारी कॉइल है वो शॉर्ट सर्किटेड है, तो उसमें भी एक करंट फ्लो होगा, उसको बोल सकते हैं हम ISC, मतलब करंट फ्लोइंग इन शेडेड कॉइल, ठीक है। तो अब इस कॉइल की वजह से, इस कॉइल में जो करंट है उसकी वजह से एक और EMF, उस एक और MMF या एक और फ्लक्स जनरेट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फाई एस शेडेड पोल फ्लक्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि दो करंट और दो फ्लक्स बन चुके हैं, एक को हमने बोल दिया मेन, जो कि सप्लाई वोल्टेज की वजह से बहने वाले करंट ने बनाया था, और दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट था उसने एक फ्लक्स बनाया, ठीक है। ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो एक फाई आर यहाँ पर डेवलप होगा, ठीक है। इसे कैसे बना सकते हैं, एक ये आपका फाई एम है मेन, ये आपका हो गया फाई SP मतलब शेडेड पोल का, और इनको हम जोड़ेंगे जैसे फेजर कैलकुलेशन में जोड़ते हैं, इसको इसके पैरेलल रखेंगे और इनको जोड़ देंगे यहाँ से। तो ये हमारा हो गया फाई आर। तो ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन ये है कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमेशा शेडेड पोल मोटर में हमेशा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड
जो आपका होता है वो होता है नॉन शेडिंग से शेडिंग कॉइल की तरफ, मतलब कि आपका नॉन शेडिंग पोर्शन कौन सा है, ये आपका नॉन शेडिंग पोर्शन हो गया और यह आपका शेडिंग पोर्शन हो गया, ठीक है। तो नॉन शेडिंग से शेडिंग की तरफ, ओके। तो ये आपकी रोटेटिंग फील्ड की डायरेक्शन हो गई। रोटेटिंग फील्ड की डायरेक्शन अगर शेडिंग की तरफ है तो रोटर भी आपका उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो रोटर में भी इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ और फिर करंट, तो वो भी आपका किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में विद अ स्लिप, क्योंकि स्लिप तो होगी कुछ ना कुछ। अगर ns आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है, तो रोटर आपका कुछ nr स्पीड से रोटेट करेगा, जो क्या होगी, कुछ ना कुछ कम होगी, ठीक है। nr इज लेस देन ns, ओके। तो अब देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले ये है कि मेन वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है उसकी वजह से शेडिंग कॉइल में EMF इंड्यूस होता है, जिसे हम ESC बोलते हैं, आप ESP भी बोल सकते हैं, शेडिंग पोल EMF, ड्यू टू इंडक्टिव नेचर ऑफ शेडिंग पोल, शेडिंग कॉइल। तो जो आपकी शेडिंग कॉइल है, जो आपकी ये शेडिंग कॉइल है, इसका भी अपना कुछ रिएक्टेंस होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट जो डेवलप होता है शेडिंग कॉइल में, जो करंट डेवलप होता है वो इंड्यूस्ड EMF से लैग करेगा, क्योंकि कॉइल है तो कुछ ना कुछ इंडक्टिव होगी, तो इसलिए हमने इसे लैगिंग बनाया था, ठीक है। फिर ड्यू टू फेज डिफरेंस बिटवीन फाई एम और फाई शेडिंग पोल, ठीक है, दो फ्लक्स बने हैं, एक शेडिंग पोल में एक मेन फ्लक्स, दोनों के बीच में अब फेज डिफरेंस आ चुका है, करीब करीब 90 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो नेसेसरी होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब मोटर ऐसी केस में जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, टूवर्ड शेडिंग कॉइल, शेडेड कॉइल की तरफ रोटर रोटेट करेगा, ठीक है। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट हो गया शेडेड पोल का। तो मेन हमने क्या देखा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हमें रोटेटिंग बनाने के लिए, रोटेटिंग इन द सेंस कि स्टार्टिंग में रोटेटिंग, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए हमने दो फेज का इस्तेमाल किया। तो एक्चुअली सिंगल फेज मोटर सिंगल फेज बस कहलाती है, लेकिन उसमें दो फेजेस होते हैं, एक तो जो आपका सप्लाई फेज होता है, दूसरा हम लैग या लीड करा के डेवलप करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री हम चाहते हैं कि वो दोनों फेज में डिफरेंस हो। जैसे थ्री फेज में तो आपका सिंपल है, तीन फेज होते हैं और तीनों अलग अलग 120 डिग्री पे शिफ्टेड होते हैं, तो इसकी वजह से आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं एक इस तरीके से बनाते हैं और एक 90 डिग्री पे हम शिफ्ट करा देते हैं। अब वो चाहे आप शेडेड पोल की मदद से करें या शेडेड रिंग की मदद से करें या स्प्लिट फेस की मदद से करें, आप कैपेसिटर लगा के करें, ठीक है। तो अब चलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है। तो हमने सबसे पहले ये जाना था कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें रोटेटिंग फील्ड दो डायरेक्शन में होते हैं। अगर ये आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं लिंक में, वीडियो लिंक में है, आप उसमें देख सकते हैं कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या होती है। तो ये दो डायरेक्शन में होगा, ओके। तो यानी कि जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें दोनों रोटेटिंग फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर हमारा सिंपल थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमने पढ़ा था तो उसमें क्या होता है, एक R1 होता है, एक X1 होता है, एक R1 होता है और R2 और X2 होता है, और बीच में हमारा मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस और कोर लॉस, इस तरीके का कोई डायग्राम बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड और रोटेटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता, फॉरवर्ड और बैकवर्ड फील्ड का कोई कंसेप्ट नहीं होता, सिर्फ एक ही फील्ड होती है जिसे आप फॉरवर्ड कहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, क्योंकि यहाँ पर दो रोटेटिंग फील्ड है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, तो दोनों का सर्किट डायग्राम अलग बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसे यहाँ पर स्प्लिट किया गया है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को दो पार्ट में बांटा गया है, XM मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर आप याद करें
एक्सएम आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता है, तो उसको बैकवर्ड में आधा रख दिया, आधा यहाँ रख दिया, ठीक है। और एक्स टू जो होता है आपका, उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, आर टू को भी हाफ हाफ डिवाइड किया, आर टू बाई टू, आर टू बाई टू, लेकिन आर क्या होता है, आर अपॉन स्लिप होता है, तो फॉरवर्ड की स्लिप क्या होती है एस, और बैकवर्ड की स्लिप क्या होती है टू माइनस एस, यह हमें पता है। तो फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड की स्लिप, और बैकवर्ड का क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय बैकवर्ड की स्लिप, मतलब टू माइनस एस, टू माइनस एस, ठीक है। उसी को हमने यहाँ पे बनाया है, एक्स बाय टू डिवाइड कर दिया रोटर के रिएक्टेंस को, आर टू बाय टू डिवाइड कर दिया रोटर के रेजिस्टेंस को, और एस हमारा क्या हो गया, स्लिप, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स बाय टू, इसे एक्स टू भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आर टू बाय टू, ठीक है, और साथ में उसके स्लिप से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। तो जब इस टाइप के सर्किट में हमें पावर निकालनी होगी, तो पावर कैसे निकलेगी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बहुत सिंपल था, पावर क्या होती थी, जो आउटपुट पावर होती थी, रेजिस्टेंस में पावर लॉस, तो हम कैसे निकालते थे, आई टू का स्क्वायर इनटू, हम क्या करते थे, आर टू बाय एस कर देते थे, सिंपल, तो हमारी पावर आ जाती थी, और थ्री फेज होता था तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फॉरवर्ड पावर भी डेवलप हो रही है और बैकवर्ड पावर भी डेवलप हो रही है, तो टोटल पावर क्या होगी, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना होता है, हमें फॉरवर्ड की पावर निकालनी है, तो फॉरवर्ड की पावर निकालेंगे कैसे, पी फॉरवर्ड, क्योंकि सिंगल फेज है तो थ्री का फैक्टर नहीं आएगा, आई टू जो भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा, आई टू डैश मान लें उसे, आई टू डैश का स्क्वायर इंटू आर टू अपॉन टू इंटू एस, तो ये फॉरवर्ड होगी, ठीक है। अब बैकवर्ड पे देखते हैं, तो बैकवर्ड किस तरीके से आएगा, बैकवर्ड आपका रहेगा पी बैकवर्ड, वो आपका रहेगा समथिंग आई टू डबल डैश, कुछ और करंट होगा वहाँ पे, यहाँ पर कुछ और करंट होगा, वो होगा आई टू डबल डैश इनटू आर टू अपॉन टू टू माइनस एस, ठीक है। ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने करंट, हमने क्या निकाला, पावर। तो एक्चुअल आउटपुट पावर क्या होगा, पी आउटपुट जो होगा, या पी मैकेनिकल जिसे हम कहते थे, वो होगा पी फॉरवर्ड माइनस पी बैकवर्ड, जो एक्चुअल पावर हमारा होगा। लेकिन जब हम पावर लॉस निकालेंगे, जब हम टोटल पावर निकालेंगे, तो ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करते, हम टॉर्क निकाल लेते हैं सबसे पहले। फॉरवर्ड का टॉर्क क्या होगा, पी फॉरवर्ड अपॉन ओमेगा, ठीक है। और बैकवर्ड का टॉर्क क्या होगा, पी बैकवर्ड अपॉन ओमेगा एस, ठीक है। तो टोटल टॉर्क क्या होगा, टॉर्क बैकवर्ड में भी लग रहा है, फॉरवर्ड में भी लग रहा है, लेकिन क्योंकि मोटर एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, तो मतलब फॉरवर्ड टॉर्क माइनस बैकवर्ड टॉर्क जो भी आएगा वो हमारा रिजल्टेंट टॉर्क होगा। तो यहाँ पर टॉर्क निकालने का थोड़ा सा मेथड क्या है, कि आप निकालो पहले फॉरवर्ड टॉर्क, उससे माइनस कर दो बैकवर्ड टॉर्क। लेकिन जब भी आपसे कोई बोलेगा पावर कितनी है, लेकिन पावर आपकी हमेशा ऐड ही होती है, क्योंकि पावर लॉस तो पावर लॉस है, चाहे बैकवर्ड में हो चाहे फॉरवर्ड हो। तो टोटल पावर क्या होगी आपकी, होगी पी फॉरवर्ड प्लस पी बैकवर्ड, बाकी सब अभी लॉसेज मैंने हटा दिए हैं, इग्नोर कर रहा हूँ। तो आपकी पावर क्या होगी, अगर पूछा जाए कि पावर कितनी मोटर ले रही है, तो वो होगी पी फॉरवर्ड में जितनी पावर लग रही होगी और बैकवर्ड में जितनी पावर लग रही होगी। अब ये बैकवर्ड की पावर का जो से जो टॉर्क बना, वो किसी काम का है नहीं, वो एक्चुअली हमारे मेन टॉर्क को कमी कर रहा है, लेकिन फिर भी पावर तो लॉस हो चाहे कुछ भी हो, पावर तो ऐड ही होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड फील्ड में, ठीक है। तो इसका बस हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और उसका मेथड जानेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल्स को करने की क्या अप्रोच रहती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।